कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तबाही ने सैलाब ने काफी खौफनाक तबाही मचाई है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रियासत में बड़ी तादाद में जानें जाया हो चुकी हैं और लोग बेघर हो गए हैं। हिमाचल हुकूमत अपनी सतह पर राहत और बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ उसके पेश नज़र रियासत को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि हिमाचल की आफत को कौमी आफत करार दिया जाए ताकि आफत से मुतासर भाइयों और बहनों की मुनासिब बाज़ाबादकारी हो सके। नई तरह से जो प्रदेश सरकार का है सुखी प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं और चलते भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी मंत्री सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना जितना करना चाहते हैं